हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग लेसन 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है अ गुड सिटीजन, मतलब एक अच्छा नागरिक। सिटीजन मींस नागरिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रैचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। तो रैचल एक छोटी सी बच्ची है, तो उसके जो मौसा और मौसी थे वो मैसूर में रहते थे। रैचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वैकेशन विथ देम। तो रैचल और उसके माता पिता अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए मैसूर गए। ठीक है, छुट्टियों को बिताने के लिए रैचल और उसके माता पिता मैसूर के लिए गए। वहाँ पे उनके मौसा, रैचल की मौसा और मौसी रहते थे। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे सभी बहुत उत्साहित, एक्साइट मतलब उत्साहित होना, कि वे वृंदावन, वृंदावन जो है मथुरा में है, तो वृंदावन का जो उपवन है, बगीचा है, वो देखने के लिए जा रहे थे। ऑन द वे हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। तो रास्ते में, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उनको उनकी मौसी ने उनको बताया कि लगभग 20 लाख यात्री यहाँ वृंदावन उपवन में प्रतिवर्ष देखने के लिए आते हैं। रैचल सेड, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। रेचल ने कहा कि अरे मौसी जी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एज दे इंटर द गार्डन रेचल एक्सक्लेम्ड, जैसे ही वो लोग उपवन में प्रवेश किए, वैसे रेचल खुशी से चिल्ला उठी, वाह व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड माउंटेन्स आर दीज। अरे वाह, कितने सुंदर फ्लावर्स और फाउंटेन मतलब फवारा यहाँ पर है। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। बुके मीन्स होता है बच्चों फूलों का गुलदस्ता। ठीक, तो कहती है रैचल कि मुझे अपने लिए गुलदस्ता इन फूलों से बना लेना चाहिए। द मोमेंट सी ट्राई टू प्लग वन ऑफ द फ्लावर, जैसे ही वो एक फूल तोड़ने वाली थी, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी मौसी ने उसको रोका और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लग फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। तो कुछ चक्कर लगाने के बाद में पूरे बगीचे का, वे लोग एक जगह स्नैक्स, जो पैकेट में बच्चों सामान आता है बच्चों खाने पीने के लिए, उसे खाने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसाज, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। जो मौसी थी वो उन लोगों के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल वगैरह सबके लिए लेकर आई थी। रैचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। तो रैचल ने जब अपना स्नैक्स को खा लिया, तो उसने उसकी प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। प्लास्टिक की प्लेट और ग्लास थी, उसको नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी मौसी ने उसको बड़े ही विनम्रता के साथ उससे कहा, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। क्या तुम कूड़े को, जो तुम्हारे घर में कूड़ा निकलता है, उसको अपने जो जहाँ पढ़ती हो उसकी टेबल में या सोफे में, सोफे पर जो है फेंक देती हो? रैचल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेस लाइक रोड, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा क्लीन। कहती है उसकी मौसी की रैचल, ये हमारा, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने चारों ओर जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि रोड हैं, पार्क हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल, इन सबको हमें कैसे रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक अवर होम। हमें सारे देश को वैसे रखना चाहिए जैसे कि वो हमारा क्या हो, होम हो। रैचल क्विकली अंडरस्टूड, रैचल तुरंत उनकी बात को समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्टेज, और उस कूड़े को इकट्ठा किया, एंड थ्रू देम इन डस्टबिन, उसे डस्टबिन में डाल दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव्ड टूवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन। स्नैक्स खाने के बाद में वे
एक संगीत बजने वाला फाउंटेन था वहां पर, जो संगीत उसमें से आवाज निकलती थी। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पे उन लोगों ने उसको वहाँ पर रोशनी का और वहाँ का जो ध्वनि थी, संगीत थी, म्यूजिकल फाउंटेन था, उसका आनंद उठाया। व्हेन दे मूव्ड आउट दे सा, जब वे वहाँ मुड़े तो उन्होंने देखा कि एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। ट्रिप्ड मतलब लड़खड़ा जाना, तो वो बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ा गया और फेल डाउन, गिर गया। हर आंट रैन, उस तो उनकी मौसी, उसकी जो रैचल की मौसी थी, वो दौड़ी एंड हेल्प द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग वॉट कुड बी डन, और जो दूसरे लोग थे वो अभी तक सोच ही रहे थे कि आखिर क्या करें हम, ठीक है। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको दयालुता दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, ठीक है। अब आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों। ऑन हर वे बैक, जब वे वापस आ रहे थे, रैचल आस्ड हर आंट, रैचल ने अपनी मौसी से पूछा कि डिड यू नो द ओल्ड मैन हुम यू हेल्प्ड, तो मौसी जिसकी आपने मदद की, जिस बूढ़े की, बूढ़े व्यक्ति की, क्या आप उसको, डू यू नो, जानती थी। हर आंट रिप्लाइड, तो उनकी मौसी ने उत्तर दिया, नो रैचल, रैचल नहीं, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह परेशानी में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर ट्रबल, हमें उन सभी की मदद करनी चाहिए जो परेशानी में हों। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास जो लोग हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ अवर ऑफ द मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली, जिस तरह से हम अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और इस तरह से हम लोग एक अच्छे और एक रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी नागरिक, जिम्मेदार, है ना, जिम्मेदार, रिस्पॉन्स, जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। इसको कई बार बच्चों पढ़िए, बुक सामने रख के, और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।